सम्मान्य साथियों, सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में आप जानेंगे और देखेंगे कि हमारे जनपद शिक्षा केंद्र सिवनी के द्वारा बच्चों की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए, उनकी दक्षताओं में सुधार के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष तौर से प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, आगामी समय पर हमारे विद्यार्थियों की छमाही और वार्षिक परीक्षाएं संपन्न होना है। चूंकि इस वर्ष कक्षा 5 एवं 8 के विद्यार्थियों की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होनी है, विद्यार्थियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए, उनके परीक्षा परिणाम सुधार के लिए हमारे जनपद शिक्षा केंद्र के द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी तारतम्य में बच्चों की विगत दिवस हुई त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कक्षा 5 एवं 8 के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया गया और उस विश्लेषण के आधार पर बच्चों की कठिनाइयों को उजागर किया गया। यह देखा गया कि हमारे बच्चे किन अवधारणाओं में पिछड़ रहे हैं, उसके क्या कारण है। साथियों, क्वालिटी सेल के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कार्यशाला में इस बात को विशेष रूप से देखा गया कि हमारे विद्यार्थियों को किन क्षेत्रों में ज्यादा कठिनाई है। इस वीडियो में आप माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित विषयों की कठिनाइयों के संबंध में जानेंगे। साथियों, हमारे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों ने बच्चों की कठिनाइयों को उजागर करते हुए उनको दूर करने के सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। मैं चाहता हूँ यदि आप शिक्षक हैं या पालक हैं तो अपने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानने के लिए इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें ताकि आप उनका उचित निदान कर सकें। साथियों, इस वीडियो के अंत में हमारे बीआरसी महोदय माननीय श्री राहुल प्रताप सिंह जी ने भी एक सारांश के रूप में बच्चों की कठिनाइयों को प्रस्तुत किया है और प्रमुख सुझाव भी हमें प्रदान किए हैं। तो साथियों, जानते हैं और सुनते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को। सर, विश्लेषण के बाद सर देखने में आया कि ज्यादातर बच्चे जो प्रश्नों की अवधारणा है उनको नहीं समझ पाए, चाहे त्रिभुज से संबंधित है, चतुर्भुज से संबंधित है, इवारती वाले प्रश्न है, उन प्रश्नों को ज्यादा बच्चों ने गलत किए हैं जो इबारत के रूप में आए हुए। इबारत से समीकरण बनाना या इबारतों को हल करना, ये बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा। ये सबसे ज्यादा जो प्रश्न इबारत वाले हैं, जो बाद में है 6, 7, 8 नंबर के प्रश्न, वहां पर ही ज्यादा बच्चों ने गलत किए। तो इबारत को नहीं समझ पाते, उनकी अवधारणा स्पष्ट नहीं है। उसका जिस मूलभूत कारण है कि टीचर एक दो उदाहरणों की सहायता से ही वो टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, जबकि उसमें उनको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। बहुत पाठ जहां से शुरू होता है योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम बच्चे समझते हैं, पर चूंकि दो प्रतिलोम को पढ़ते हैं, जोड़ने का, योग का और गुणन का, तो जब वो प्रश्न को हल कर रहे होते हैं तो वो कंफर्म नहीं रहते कि जोड़ने वाला योज्य प्रतिलोम करना है, योग का करना है या गुणन वाला करना है, उसमें अंतर आ जाता है। तो वो बहुत सारे अभ्यास कराने पड़ेंगे कि टीचर को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। ये वो आपने कहा ये ऐसा वो समझ नहीं पाते, इसके क्या कारण, क्या रीजन है? उनको जब अवधारणा स्पष्ट कराई जा रही है सर, तो केवल 2-3 उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कराई जा रही, उनको मौका नहीं मिल रहा। टीचर ने बता दिया कि ये 2/5 लिखा है, इसका अगर हमको योज्य प्रतिलोम करना है तो ऋण 2/5 हो जाएगा, पर हर बच्चे से यदि खड़े करके या बोर्ड में करवा लें एक उदाहरण भी, यदि 20 की क्लास है तो 20 नए उदाहरण आ जाएंगे और वो बच्चा निश्चित रूप से समझ जाएगा कि इसको योज्य प्रतिलोम। सबसे जरूरी है सर कि जिस टॉपिक को टीचर पढ़ा रहा हो वो खुद से जब वो 2-3 उदाहरण बताते हैं, उसके बाद प्रत्येक बच्चे को मौका मिले कि वो खड़ा होकर या तो बोर्ड पर या अपने स्थान पर, अगर छोटा प्रश्न है जैसे योज्य प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम का है, एक प्रश्न वो उदाहरण के रूप में बताए तो पूरी क्लास को 20 नए उदाहरण सुनने को मिलेंगे और वो बच्चा पूरी तरह से उस अवधारण को समझ सकेगा। ये वो बच्चा प्लस जो पूरी क्लास को भी अच्छा, क्योंकि 20 और उदाहरण उनको मिलेंगे, उनको बूस्टर डोज मिल रहा है। और भी बच्चा ने जो दिया तो वही उदाहरण पेश करेगा, परिवेश के आधार में यदि उसको अवधारणा मालूम हो गई तो अलग अलग प्रकार से हर बच्चा अपना वो देगा। 7 और 8 क्या है? एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री हो। आंसर, ये वाला सबसे कठिन रहा है, इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हम चाहे अंग्रेजी को हो चाहे हिंदी को हो, गणित हमारे पास है ही स्कूल में। ये गणित में एक नवाचार हुआ है
हमारे ठाकुर सर में जो जाम में है तीनों क्लास की गणित को, कक्षा छह की गणित की पूरी किताब को 10 पेज में, सातवीं की गणित की किताब को 10 पेज में और आठवीं की गणित की किताब को 10 पेज में उतार दिया है अपने तरीके से, अपने ट्रिक से। जी मैंने कक्षा छठवीं सातवीं और आठवीं के लिए संक्षेपी का नाम दिया मैंने, और पूरी किताब हम जानते हैं कि शिक्षक हम नहीं पढ़ सकते और ना पढ़ाते जरूर है लेकिन देख के नहीं पढ़ा पाते, लेकिन मैंने इसको कम से कम 6 पेज में हर एक क्लास को उतारने की कोशिश किया और कोई भी चीज इसमें छूटी नहीं है। कुछ परिभाषाओं को मैंने अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखा है और कुछ किताब की भाषा, तो इसको मैंने 6 पेज 8 पेज में किया छठवीं का आठवीं का, और ये मैंने स्वयं अपने हाथों से ये लिखा। आपको हर एक इसमें ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको किताब में छूटी हो, वो पूरी की पूरी मैंने इसमें उतारने की कोशिश किया, देखिए आप पूरी की पूरी आपको, यदि आप ये चार्ट लेके क्लास में पहुंच जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ाना है इस पार्ट में, और कोई चीज हमसे छूट तो नहीं रही है, केवल इसमें सवाल भर नहीं है लेकिन पूरी आपके परिभाषाएं मिल जाएंगी। हर एक परिभाषा जो कठिन से कठिन है उसको मैंने सरल करने की कोशिश की। इसमें मैंने कम 4 महीने में ये तीनों पुस्तकें 8-8 पेज में तैयार किया है। यदि आप चार्ट बनाकर स्कूल में लगा दें तो बहुत से बच्चे देखने से भी सीख जाएंगे। एक पेज है इस पेज पर, एक पन्ना माने एक अध्याय के लिए एक पेज का उपयोग किया मैंने, कई पेज आधे पेज में हो गए कई पार्ट, तो कुल मिला के 7 पेज में आपकी आठवीं की गणित पूरी किताब को मैंने उतार के रख दिया अपने हाथ से। अब आप चाहो तो इसका प्रिंट आप निकाल सकते हो, 50 रुपए में इसकी प्रिंट होता है तीनों का, 50 रुपए आप खर्चा करिए तो आपको पढ़ाने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। सर प्रश्न क्रमांक 6 और 7 टेबल क्या है, उसके उपयोग से होने वाले प्रभाव का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, एक तो इससे संबंधित प्रश्न था और दूसरा जीवाश्म ईंधन, ये दो कठिन बच्चों का स्तर यहाँ से समझ में आ रहा है। और सर सबसे ज्यादा विज्ञान में जो दिक्कत आ रही है बच्चों के सामने वो ये है कि विज्ञान की पुस्तक की जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो बहुत कठिन है, जो इसके शब्द हैं वो बहुत कठिन है, यानी शब्द ही बच्चों तक नहीं पहुंच पाते और उन शब्दों को बच्चे आसान शब्दों में उसको मतलब उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न समझने में ही कठिनाई हो रही है बच्चों को। यदि उसको साधारण शब्दों में, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले शब्दों से हम उसको जोड़ें और उनसे जोड़कर ही उनको बताएं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। हम बच्चों को बता देते हैं कोई साधारण सा शब्द यदि हम समझा रहे हैं सड़ना तो बच्चे समझ रहे हैं, पर किणवन नहीं समझ रहे हैं बच्चे। ये जो है टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा समस्या है और इसका उपाय यही है कि उसको दैनिक जीवन में जो शब्द वो डेली यूज करते हैं। अब मेरे यहाँ तो ये दिक्कत है सर, बॉडी भाषा बोलते हैं बच्चे, उनको फिर हमारे जैसी हिंदी भी नहीं आती, फिर वो विज्ञान के शब्द कैसे समझे, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हमको बस यही उपयोग यही करना रहता है कि उन्हें लोकल शब्दों से हम इसको जोड़ करके और उन्हीं की गतिविधियां उसी से गतिविधि करा करके हम उनके पॉइंट तक उनको पहुंचाएं। और एक बात और सर, अपन ये ना देखी थी इतिहास के बच्चों ने नहीं कर पाया, हमारा जो है जो बनाने को दिया था जन शिक्षा केंद्र आपके नेताजी सुभाष, उसमें भी ये जो दोनों है प्रश्न सबसे कठिन माने गए, जे प्लास्टिक और उसके उपयोग और जीवाश्म ईंधन। दूसरा नंबर का प्रश्न था, बच्चा जो है जैसे रासायनिक खाद होती है और जैविक खाद होती है, ये हो सकता था के कारण ये इसमें चीजें की खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है, बच्चा प्रश्न समझ पा रहा है। उर्वरक है और जो गोबर से या जो केंचुए के द्वारा
किया तो अवशिष्ट पदार्थ तैयार की जाती है। ये अंतर स्पष्ट करना ही पड़ेगा दिखा करके, नहीं तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे। समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय में सर जो कक्षा आठवीं की पुस्तक है उसमें पाठ छह तक के प्रश्नों, पाठ छह तक के जो थे वहां तक के प्रश्नों का समावेश किया गया था। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक बाबू से लेकर कलेक्टर तक के इस पुस्तक में परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते वो इसी पुस्तक से पूछे जाते। और जैसा कि प्रश्न दो में प्रश्न अधिकतर बच्चे नहीं कर पाए कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुई थी, प्रश्न नंबर आठ में पूछा गया, आठ में पूछा गया था बंगाल में दोहरा शासन, और प्रश्न ये प्रश्न अधिकतर बच्चे जो है नहीं कर पाए। एक बड़ी कारण ये था कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न बच्चे जो है वैसे भी करने में थोड़े अक्षम होते हैं, नहीं कर पाते हैं। और चित्र वाले प्रश्न जैसे उसी के अपेक्षित में ज्वालामुखी वाला प्रश्न आया था प्रश्न नंबर आठ में ऑब्जेक्टिव में, तो वो प्रश्न ज्यादातर बच्चों ने हल किया है। और हम इस तरीके से देखेंगे कि ये जो पाठ जो था इसमें चूंकि बड़े बड़े पाठ हैं और हो सकता है कि इस पुस्तक में इसको पढ़ाने में विषय विशेषज्ञ उस सब्जेक्ट का ना रहा हो, तो उस एक कारण यह भी हो सकता है कि बड़े प्रश्न जो है उतनी गंभीरता से ना पढ़ाए गए हो। चूंकि पूरी पुस्तक जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, इसलिए इस पुस्तक का अध्ययन जो है, चूंकि इस पुस्तक में कमी है कि कोई भी सीक्वेंस में तालिका बना के जैसे अंग्रेजों का भारत आगमन पहले ही प्रश्न पूछा गया था कि कब हुआ, परंतु चारों यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कोई तालिका नहीं दी गई है कि कब कब उसमें कब कौन विदेशी यात्री आया, अलग अलग सीक्वेंस दिए हुए हैं, एक कमी है। दूसरा युद्धों का कोई सीक्वेंस कोई चार्ट नहीं दिया गया कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इस तरीके की कोई तालिका बच्चों के समक्ष नहीं दी गई। यदि टीचर इनको टीएलएम बना के या तालिका बना के सूचीबद्ध क्रमबद्ध करके पढ़ाने का प्रयास करेगा या उस तरीके से उसको प्रस्तुत करेगा तो बच्चों को मेरे ख्याल से आसान तरीके से समझ में आएगा। सर हिंदी में मौके तौर पर तीन बातें सामने आई थी, यदि अपन उनको पूरे प्रश्न पत्र को देखें तो वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न है वो उस पर एक बात ये समझ में आई कि या तो किसी स्कूल विशेष में किसी प्रश्न को सारे बच्चों ने सही हल कर दिया या फिर किसी बच्चे ने हल नहीं किया। और उसका कारण ये रहा सर कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो पाठ के जो महत्वपूर्ण बातें हैं अगर उनको रेखांकित करवा दिया जाए तो मैं ये समझता हूं कि फिर बच्चों को वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न हल करने में बहुत आसानी होगी। दूसरी बात कि प्रत्येक पाठ में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें जो व्याकरण सम्मत प्रश्न जो दिए रहते हैं सर, आमतौर पर शिक्षक उनको छोड़ देते हैं या बच्चों को ये कह देते हैं कि तुम लोग कर लेना, जबकि हिंदी में व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं ये समझता हूँ कि उनको पहली प्राथमिकता के साथ समझाने की आवश्यकता है। यदि बच्चे में व्याकरण क्लियर होगा, व्याकरण को बच्चा अगर समझ पाएगा तो उसको हिंदी लिखने और समझने में ज्यादा आसानी होगी। तीसरी बात है कि प्रश्न नंबर पांच अधिकांश बच्चों ने नहीं किया, सबसे मतलब कम बच्चों ने किया उसको, और वो प्रश्न नंबर पांच पे एक मुहावरा दिया हुआ था और उसका अर्थ लिखकर और उसको शब्दों में वाक्य में प्रयोग करना था। तो दूसरी बात ये निकल के आई थी सर, यदि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को शिक्षक विशेष रुचि लेकर पढ़ाएं तो बहुत मतलब बच्चों को आसानी होगी सर ऐसे प्रश्नों को हल करने में। तीसरा जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है सर, उस पे प्रश्न नंबर आठ में जो दिया हुआ है पद्यांश दिया हुआ है और उसका अर्थ लिखना है, तो सामान्यतः ये बात समझ में आई सर कि बच्चों को समझकर लिखना मतलब उसको अभिव्यक्त करना ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी बच्चों के लिए कठिन है, और इसके इसके समाधान पे केवल एक बात हो सकती कि यदि सतत अभ्यास कराया जाए। जैसे श्रुत लेखन की हम बात करें, श्रुत लेखन आज की स्थिति में बहुत सारे स्कूलों में लगभग बंद सी स्थिति है, लोग अपना कोर्स कंप्लीट कराते हैं बात खत्म हो जाती है। यदि शुद्ध लेख प्रतिदिन कराया जाए तो भाषा मतलब हिंदी को लिखने में बच्चों को बहुत आसानी होगी सर।
तो प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 8 सर, ये सबसे मतलब कम बच्चों ने किया सर इसको। प्रश्न नंबर 4 सबसे ज्यादा बच्चों ने हल किया है और जी इसमें प्रश्न था कंठस्थ की हुई कविता की चार लाइनें लिखना था, तो शायद अभ्यास कराया गया होगा तो वहाँ ज्यादा किए हैं। और सबसे ज्यादा जो कठिन प्रश्न था वो प्रश्न 7 था, जिसमें संस्कृत में उत्तर लिखना था, प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तराणी लिखा था ऐसा उसमें लिखा है, तो उस प्रश्न में 60% बच्चों ने नहीं किया उसको। और छठवां प्रश्न जो था जिसमें ईदगाह मेले का वर्णन अपने शब्दों में बच्चे करना था, तो उसमें भी 55% बच्चों ने उसको हल नहीं कर पाए। तो प्रश्न 5 पर हमने ये सोचा कि इसमें ज़्यादा गलतियाँ इसलिए हुई हैं क्योंकि इसमें निबंध टाइप उनको एक लिखना था, तो बच्चे को निबंध रटवाने की जो पद्धति है उसके दौरान वो सब जब रट लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहानी पढ़े ईदगाह तो उसको अपने शब्दों में उनको नहीं कर पाया। तो ये मतलब टीचर को सिखाना चाहिए कि हम जब किसी विषय को समझ लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो उसके उसको अपने शब्दों में हम कैसे उसको लिख सकते हैं। अभी जी अच्छा जो प्रश्न पत्र जिस पर विश्लेषण किया गया और जिस पर सारी बातें रखी गई उसमें जो पहला प्रश्न था वो वर्ड पावर शब्द सामर्थ्य से संबंध, इसमें बच्चों ने उन शब्दों को नहीं छाट पाए जो कंपाउंड है, मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये रहा है कि जब हम किसी शब्द को बच्चे के सामने जब शब्द आता है तो उसके मूल रूप से उसको दौड़ करके नहीं समझा रहा है, इस कारण से वो उसको अटेंड नहीं कर पा रहा है। इसमें एक शब्द आया था सेवियर, वो सेवियर शब्द को बच्चा नहीं समझ पाए जो बच्चे उसमें नहीं कर पाए, उसके लिए जबकि बात ये सामने आई कि हम जब सेवियर शब्द उसके सामने आया तो हम उसको सेव शब्द जिससे वो परिचित है उसको हम जोड़े उससे और उसके बाद उसके नए शब्दों को बता दें उसका अभ्यास करा दें तो बच्चों को ये करना ही छोड़ सकते। दूसरा जो ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें है उसमें आर्टिकल्स के बारे में जो एक प्रश्न पूछा गया था उसे भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, तो इसमें आर्टिकल की जो बात आती है कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ये इसको पहले का तीसरा, इसमें क्या होता है कि ये जो है उच्चारण के आधार पर इनका इस्तेमाल होता है, तो टीचर जो है इसको समझाते समय एक कोई छोटा सा 3-4 वाक्यों का पैसेज देकर के उसे यदि समझाए उन्हीं आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके बताए तो बच्चे को ज्यादा अच्छी समझ विकसित हो सकती है, जिसकी कमी इसमें देखने में आई। अगली बात के अंदर जो बात है जो वर्णात्मक प्रश्न है उनमें भी खास तौर पे एक प्रश्न जो आया है जिसको बहुत ही कम बच्चे अटेंड कर पाए हैं, और जो प्रश्न पीछे जो प्रश्न दिए होते हैं उनसे अलग है, मतलब इंटरनल क्वेश्चन है उनने अंदर से बना करके पूछ लिया है उसको, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड व्हाट डज द पोएम अनदर चांस टेल अस, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, इसका कारण हमने जो देखा किताब पढ़ा थी तो ये प्रश्न पीछे जो प्रश्न उसके अंदर नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बच्चे क्यों नहीं दे पा रहे, इसके प्रश्न रहने के पीछे क्या कारण क्या निकालना चाहते हैं, वो तो इस ऐसे प्रश्न देकर के बच्चे की जो भाषा ही ध्यान है बच्चे का कौशल जो है उसको पता लगाने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि जो रटे रटाए प्रश्न है उनके उत्तर देना एक अलग मैटर है और किसी प्रश्न को समझ करके उसका उत्तर देना एक अलग, इसमें मुझे लगता है टीचर का एक पार्ट है जब वो टीच करे ये पार्ट भी ध्यान रखे, मुझे ये भी बच्चों में निकालना। हाँ, तो जब पार्ट पढ़ाया जाए तो एक तो ऐसी बात देखने में आती है या जो सामान्य बात है कि पार्ट को एक बार टीचर पढ़ता है और बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता, अंग्रेजी ऐसी बात है कोई भी जो भाषा है उसके अंदर रीडिंग जरूर होनी चाहिए इससे उसके उसमें तो बच्चा, बाकी साथ जो प्रश्न जहाँ आते हैं लेसन के बीच में वही की वही उन प्रश्नों को बनाकर उनके आंसर जो है बच्चों को बोल करके देने का एक ट्रेन विकसित किया जाता है, क्योंकि भाषा पूरे का पूरा जो है वो लिसनिंग बेस्ड होती है, जितना बच्चा सुनेगा उतना उसको समझेगा, क्योंकि जो अंग्रेजी के जो प्रश्न आते हैं तो जो प्रश्न है वो सभी की सभी प्रश्नात्मक वाक्य है, उनके हम जो है वो सकारात्मक वाक्य बनाने का प्रयास करवा रहे हैं, उनको ये ना बताएं कि ये इसका आंसर है, हम पहले ही एक छोटा सा 8-10 जो हमारे प्रश्न है उन 8-10 प्रश्नों के हम जो है स्टेटमेंट बना लें वो फिर उनसे उनको जोड़ दें, बच्चा क्या होता है कि वहां उसको मतलब ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, वो जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न को सकारात्मक वाक्य के अंदर नहीं बता पा रहा उस समय,
तो ये वाली बात के लिए भी मैं सबसे बात को रखना चाहूंगा कि ये टेक्स थोड़ा सा टीचर की दिक्कत लाया जाए। दूसरी बात ये इसके अंदर है कि ये राइटिंग स्किल में, राइटिंग स्किल के अंदर एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, तो ये बड़ा सरल काम हुआ है लेकिन इसमें भी बहुत बच्चे पीछे हैं। तो उसका कारण ये समझ में आया हमें कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है टीचर उसको बच्चे को नहीं समझा रहे, यदि उसके स्ट्रक्चर को समझाते है ना। एक और सुझाव यहीं पर हमारे बीच में आया था कि हम क्या करें कि उसके जो स्ट्रक्चर के पार्ट हैं उनको हम जंबल कर दें, मैडम ने सुझाव रखा था, एप्रिशिएबल सजेशन आया आपकी तरफ से, और उनको बोले कि यहाँ से यहाँ इसको जमाओ, इनका हेडमास्टर कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो भी बच्चे का अभ्यास कर सकते हैं ना। पैराग्राफ राइटिंग एक इसके अंदर आया है, इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये फ्री एक्सप्रेशन है, फ्री एक्सप्रेशन के लिए तो जितने भाषा का जितना अच्छा ज्ञान होगा, या कुछ ऐसे विषय जो हैं, जैसे इसके अंदर दो विषय आए हुए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री और माई स्कूल, तो माई स्कूल, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री है ना, स्टूडेंट टीचर, इसके ऊपर कुछ वाक्य जो है वो बने बनाए हमारे पास में, कहीं ना कहीं चार्ट के रूप में ऐसे स्कूलों में होना चाहिए, तो वो बच्चा जो है उसको वैसा थोड़ा सा समझ पाएगा, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज है और हमारी मातृभाषा ना होने के कारण बहुत विशेष प्रकार की कठिनाइयां हैं बच्चों के साथ और टीचर के साथ सबके साथ। अगला इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था वह था पैसेज, पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन के लिए, इसमें भी बच्चे नहीं कर पाए, तो उसका कारण जो समझ में आया वह यह आया कि बच्चों को पढ़ने का अवसर कम से कम मिल रहा, और इसी के साथ साथ इसमें एक ट्रिक जो निकल के लाते हैं उसका भी शायद टीचर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किया है इस समय तक उन्होंने, क्योंकि एक ट्रिक ये भी होती है कि जो पैसेज होता है उस पैसेज को पढ़ा जाए, उसमें जो जो शब्द उनसे उनसे फेमिलियर जो शब्द जिनको वो पहले से जानते हैं वो जो क्वेश्चन में आए हैं उसी का जो यहाँ पर पार्ट दिया हुआ वो उसका आंसर होता है, तो ये भी ट्रिक एक टीचर देते हैं वो शायद नहीं दी गई, तो ये वाला जो एक सरल प्रश्न होना चाहिए था, ये दो प्रश्न जो है एक एप्लीकेशन राइटिंग और दूसरा पैसेज रिटिंग का, इसमें बच्चे जो पिछड़ रहे हैं उसके लिए हम ट्रिक्स जो है बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। भाषा की समझ विकसित करने का देखिए ना, वो तो एक ऐसा मैटर है कि उसमें जितना ज्यादा काम किया जाए उतना कम होगा, लेकिन जैसा कि आज जिस उसके अंदर हम बैठे हैं और जैसा हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स तक स्टूडेंट तक वो बातें कम समय के अंदर पहुंच जाए, उस पर हमने ज्यादा फोकस किया और वो बातें निकाल कर लाने का। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा है कि बच्चों को कठिनाई जो पूरा होल अगर देखा जाए तो उसमें ये आ रहा है कि बच्चा ना तो वो इंग्लिश जब लिखा है तो समझ नहीं पा रहा और उसको आंसर पता है तो वो लिख नहीं पा रहा, दी मेन प्रॉब्लम इज दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो उसके लिए यही है कि उसको नॉलेज होना इंग्लिश का, और इंग्लिश का नॉलेज अब होना तो कैसे होना, बच्चों पर बुक्स है, लाइन्स है इंग्लिश की, तो उसके लिए हर एक वर्ड जो उसको वर्ड टफ लग रहे हैं डिक्शनरी बच्चों के लिए तो वाकई कंपलसरी कर दिया जाए अगर उसको इंग्लिश पढ़ाना है तो डिक्शनरी फर्स्ट ऑफ ऑल किया, एक वर्ड का मीनिंग देखेगा, देखता जाएगा, ढूंढता जाएगा और उसको प्रैक्टिस हो जाएगी हाउ टू फाइंड यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, और उसको जैसे जैसे इंग्लिश के वर्ड से फैमिलियर हो जाएगा उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी तो क्वेश्चन जो आएगा वो समझ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा एट द मोमेंट जैसे उसे क्वेश्चन समझ में आता है वो ऑब्जेक्टिव को टिक करने में उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है इसी से आपको रिलेट कर लीजिए पैसेज अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी इंक्रीज हो गई, वो रीडिंग कर रहा है उसको मतलब पता चल रहा है, जब क्वेश्चंस देखता है उसको लाइंस मिल रही है वो उसका आंसर देन एंड देयर उसका आंसर रिकॉर्ड करके लिख सकता है, तो दिस इज इंग्लिश में डिक्शनरी यूज करके हम बहुत ज्यादा एडवांस 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज आती है इसमें अपोजिट्स जेंडर्स कंपैरेटिव डिग्री, इस चीज का चार्ट आप टांग दीजिए बच्चों की आंखों में बार बार दिखेगा और उसका बार बार इस्तेमाल बता दीजिए, तो ये एक क्वेश्चन इसका ग्रामेटिकल का ऑब्वियसली इजीली कंप्लीट होगा। मैडम ने डिक्शनरी की बात की तो मैं भी बताना चाहूंगी कि मेरा स्कूल पूरा फर्स्ट टू फिफ्थ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो डिक्शनरी मैंने थर्ड क्लास से शुरू करवा दिया मेरे बच्चे को, तो आज मेरे बच्चे फिफ्थ में है तो थर्ड से उनको डिक्शनरी देखते आने लगे, और एक इनोवेशन जो मैंने किया मैं बता रही हूँ, मैं हर दिन बच्चों से कहती हूँ चाहे वो ईवीएस हो या इंग्लिश रीडर हो तो आप फर्स्ट पेज बुक का आप कॉपी में मत लिखिए बट लेकिन बुक में पेंसिल से लिख दीजिए, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनकी मीनिंग आप वहाँ लिख लीजिए, और मैं एक सेंसरी तौर पे डेली ये वर्क करती हूँ कि
कि बच्चे डेली लाते हैं, अपनी बुक खोल के रखते हैं और मैं एक राउंड लगा लेती हूँ, तो मैं ये देख लेती हूँ बच्चे करके ला रहे हैं या नहीं, और एक दो बार थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होगी तो सारे बच्चे ये काम कर लेते, और आज मेरे बच्चों को डिक्शनरी दिख के आती है। और एक आर्टिकल की जो है, आर्टिकल में ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, तो मेरे नजरिए से एकदम इजी है, मैं वो बताना चाहूंगी। आर्टिकल जैसे एंड का यदि हम ले लेते हैं ए एन, तो हम बच्चों को कुछ ना बताएं, सिर्फ इतना बताएं कि हिंदी के स्वर उच्चारते हैं आ से आहा तक। तो आप यदि प्रोनाउंस कर रहे हैं कोई भी वर्ड और उसके प्रोनाउंसिएशन में आ से आहा तक का यदि आ रहा है आपका उच्चार, तो वहां आंख बंद करके एन लगा दे। ये बच्चों को बता दें, कोई भी वर्ड यदि उसमें उच्चारण हिंदी के स्वर में आ रहा है तो वहां एन आएगा ही आएगा। एक चीज, दूसरी चीज, अब जहां एन नहीं आएगा और जहां सिंगल चीज है वहां ए आ जाएगा। और अब दा वाली बात आ गई, तो दा में हम ये कर सकते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है वहां पे दा आ जाता है, बिल्कुल सिंपल। तो आर्टिकल में गलती नहीं होगी बच्चे से, ऐसा मेरा तरीका। नेक्स्ट हमारा ये स्टेप है कि हम जेएसके में जाके काम को करेंगे। तो मेरा फिर से निवेदन है कि जेएसके में लेवल पे जाके हमको और काम को आप कैसे कर सकते हैं, और देन सिक्स मंथली एग्जाम को से इस काम को कैसे रिलेट करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, जोड़ना कैसे, इसमें भी अपने बहुत सजेशन आप दें। और साथियों अंत में आप यहाँ पर देखेंगे हमारे ब्यासी श्री राहुल प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने सारांश रूप में बच्चों की कठिनाइयों को उजागर किया है और बताया है कि बच्चों की क्या कठिनाइयां हो सकती हैं और किस तरह हम उनका निदान कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ सिंह सर से कि वो आज के कार्यक्रम समापन अवसर में सबको एक निरोग है। सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका दिन पूरा लग गया आज यहाँ पर। जो आप लोगों ने बताया है उसमें जो भी चीजें मुझे मिली है, पहली चीज जो थी वो प्रश्न की समझ। बच्चा जो है बहुत सारे क्वेश्चन के इसलिए आंसर नहीं कर पाया कि वो प्रश्न नहीं समझ पाया था। बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे तो आपका वो पता चल जाए। एक और चीज थी उत्तर लिखने की कला नहीं थी बच्चे के पास, कि मतलब हम कैसे लिखे, हाउ टू राइट एन आंसर। और इसके आप सब्जेक्ट ही बता रहा हूँ, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा। सबसे पहले गणित की बात हुई थी, गणित में जो है ज्यामिति आकृतियों के संबंध में बच्चे को दिक्कत हो रही थी, उसके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल हम अपने क्लासरूम को एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, कुआं बताने के दरवाजे को उपयोग कर सकते, छोटे छोटे टिप्स से जो आपकी नॉलेज होगी। पीएलएम का यूज मेरे हिसाब से गणित में कम हो रहा है, हो सकता है ये भी एक कारण होगा बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस ना देने का। एक और जो ठाकुर सर ने बताया, जाम वाले सर ने बताए थे गणित की संक्षेपिका, बहुत अच्छा प्रयास है, इसको हम सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। और प्रयास ये होगा कि यदि मान लो प्रिंट टाइप हो जाए सर, वो कोशिश करेंगे कि मिसेज टाइप करवाने की, तो ज्यादा अच्छा हो जाए। इसके बाद विज्ञान की बात हो रही, विज्ञान में एक चीज निकल करके आई जो इसके शब्द हैं वो थोड़े से कठिन हैं, जिसको बच्चा नहीं समझ पा रहा। बात पहले प्रश्न की जा रही है कि बच्चे की समझ में कमी है या बच्चा उस प्रश्न को अच्छे से समझ नहीं पा रहा, इसमें दिनचर्या शब्दों का उपयोग होना चाहिए। ये बड़ा इश्यू है जिसको कि हम वहां से तो सॉल्व नहीं हो सकता जहां से पुस्तक प्रिंट हो रही, पर हमारे लेवल पे जरूर सॉल्व हो सकता है जब आप जाएंगे, यदि शिक्षक को इस बात को खूब अच्छे से बता दें कि भाई उसमें शब्द हैं, यदि उन शब्दों को हम अपने देशज शब्दों में या स्थानीय शब्दों के साथ यदि जोड़ के उसको बताएं तो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। एक और चीज है सामाजिक विज्ञान में जो शब्द आया था, प्रश्न थे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर के उस प्रश्न उसमें आए थे, हो सकता है कि भाई जिसने बनाया सिलेबस बनाया है उसकी सोच ये है कि आठवीं तक का बच्चा इन सब चीजों को समझता है। एक और चीज जो थी तालिका वाली बात कर रहे थे सर आपने, ये बात सही है, इसमें सीक्वेंस यदि रहेगा और तो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा और थोड़ा सा उसमें कहानी का टच यदि रहेगा, जैसे पुरानी किताबें देखेंगे आप सामाजिक विज्ञान की पुरानी किताबें थी उसमें कहानी का टच रहता था, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ सकता था। एक और चीज है जो आई थी कि शिक्षक का विषय विशेषज्ञ ना होना, ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। जैसे हम देखें कुछ बहुत सारे स्कूल स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे गणित वाला ही व्यक्ति वायु मतलब विज्ञान पढ़ा रहा है या विज्ञान वाला व्यक्ति ही गणित पढ़ा रहा है, तो जब आप जाएंगे मतलब जनशिक्षा केंद्र पे आपका सपोर्ट इस तरीके का हो कि
वो जो हमारा कोर्स है उस कोर्स को टीचर अच्छे से बता सके, भले वो उस विषय का विशेषज्ञ ना हो। मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, मान के चलिए आपको कैसे समझाना है एक व्यक्ति को, इस प्रश्न को आपको ऐसे बच्चे को बताना है। यहाँ बात है शिक्षक को समझाने की नहीं है, बात ये कि वो जो हम शिक्षक को बता रहे हैं कि नीचे बच्चे के पास कैसे जाए और बच्चा उसको कैसे एक्सेप्ट कर ले। सब बेसिक प्रश्न ये है। हमारी पूरी वर्कशॉप है एक बात पे टिकी हुई है कि हम जो जो आप प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास कैसे नीचे तक जाए, अर्थात एक जनशिक्षक कहन से कैसे टीचर तक जाए जो कि बच्चे को बता सके, ये वर्कशॉप की मेन थीम थी। एक और चीज थी जो ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस की बात थी, शहरी क्षेत्र के बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा था ग्रामीण क्षेत्र के कम्पेटिव, किसी एक सब्जेक्ट में बात आई थी। तो ये हो जाता है कि कुछ क्षेत्र में जैसे बच्चों की समझ ज्यादा हो जाती है, कुछ क्षेत्र में बच्चों की समझ कम रहती है। एक और चीज थी व्याकरण संबंध प्रश्नों की उपेक्षा, ये बात सही है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कहेंगे व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यदि उसमें व्याकरण का हम उपयोग कम करेंगे आगे जाकर बच्चे ज्यादा गलतियां करेंगे। निश्चित व्याकरण के कुछ प्रश्न आते हैं जो बच्चे के स्तर को निर्धारित करते हैं। श्रुत लेखन पर जोर, आरएस के भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल में श्रुत लेखन की गतिविधि शनिवार की तरह अनिवार्यता कराई जाए, पर हम हो सकता है किसी कारण से इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बात आ रही अंग्रेजी की, जहां तक मुझे जो लग रहा है अंग्रेजी सही में थोड़ी सी कठिन है। कारण ये कि हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, अंग्रेजी की ग्रामर से। कोई भी लैंग्वेज यदि ग्रामर से शुरू होगी तो निश्चय ही कठिन होगी। आप ये ध्यान रखें से हमने जब हिंदी सीखे थे हमें कोई ग्रामर नहीं पता, हम आज बहुत स्लो में हिंदी बोलते हैं। वही बात है कि हम अंग्रेजी बोलने आते पहले हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। तो वो दिक्कत आई थी, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जिसकी शुरुआत ग्रामर से करें वो कठिन हो भी सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज थी अंग्रेजी जो टीचर का इन्वॉल्वमेंट है लैंग्वेज में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि टीचर ने हाव हाव से किसी चीज को बता दे, जैसे पोएम पोएट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, समस्या पोएट्री में ज्यादा आती किसी बच्चे को, यानी प्रोज वाला सेक्शन आसानी से पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। होता है कि पोएम वाले हिस्से में अर्थ निकालना पड़ता है उसको, यदि टीचर के हाव हाव का उपयोग करेगा तो निश्चय ही उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, एक और चीज है अनसीन पैसे, अनसीन पैसे जो है मैं बताऊँ उसमें जो है कि प्रश्न मतलब उसी से प्रश्न हमें सच ढूंढना रहता है। तो आप ये प्रयोग एक कर सकते हैं कि भाई एक अनसीन पैसे के बच्चे जो तो कुछ स्ट्रिप्स काट लो आप, पुरानी किताब की स्ट्रिप्स काट लीजिए, उसमें शब्दों को काट लो और बच्चे को जमाने को दे दो, हो सकता है कुछ बच्चे जो जल्दी सीख जाएंगे। ठीक, ये थोड़ा सा प्रयास। अब अगला प्लान जो है बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा कि जाना कहाँ है, किसको क्या करना है, पर अपेक्षा ये है कि शायद हो सकता है अगले बार हम लौट मतलब जब आप जनशिक्षा कैंसर लौट आएंगे तब बैठ पाएंगे। इसको जो बेहतर बन सके सर वो कीजिए, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका हम सबके लिए उन बच्चों को करने के लिए जिनको सही ना आ सकता है, यानी हमारे प्रयास से यदि कुछ भी रिजल्ट बांटता है सर तो बहुत बड़ा तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में हमारे जनपद शिक्षा केंद्र के द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों के बारे में आपने देखा। साथ ही यह जानने का प्रयास किया कि माध्यमिक स्तर के बच्चों की कठिनाइयां कौन कौन सी हैं और उनका निदान हम किस प्रकार कर सकते हैं। साथियों, आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। अगले कालखंड में मैं किसी नई जानकारी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।